पीछे तरफ यहाँ पर एलईडी वायरिंग वगैरह चेक हो रही है। तो गाइस स्टेबिन भैया आ चुके हैं हमारे। हेलो गाइस वेलकम हो गया सबका, मैं हूं कुशल और आप देख रहे हैं आपका कुशल ब्लॉग्स। और आज के इस ब्लॉग वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एलएन सिटी कॉलेज। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं मैं गेट के पास ही, तो चलते हैं अंदर और बताता हूं क्या सीन होने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा, तो सीन बहुत मस्त होने वाला है। तो पहुँच चुके हम लोग एलएन सिटी, अंदर इवेंट हो रहा है ना। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ एलएन सिटी का ये रेड कलर का गेट है, यहाँ था मैं। अंदर आ जाओ, बोल रहा कि अंदर शो है। क्यों भैया शो है ना अंदर? तो भैया मना कर रहे हैं गार्ड भैया, क्यों शाम को शो है ना? साहब का शो जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है। हाँ अरे हाँ भाई हाँ हाँ तो हाँ तो उसी के लिए आया हूँ मैं, टीम से हूँ। डीबी से आप लोग? कुछ भी डीबी से आप लोग? गेट पास। अरे साहब ये टीवी से आया भैया। ओह यार स्टेज कहाँ लग रहा है अभी बता दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। सामने दिख रहा है, ठीक है वो ही है। ठीक है हाँ मैं कर दूँ। तो भैया एंट्री हो गई है, चलते हैं स्टेज की तरफ। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग, और जैसा कि आप देख पा रहे हो ना बहुत मज़ा आने वाला है आपको। सो गाइस बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा चल रहा है अभी, और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं एलएन सिटी कॉलेज में। हमारे भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मस्त चिल कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बाकी कोई आराम आराम नहीं कर रहे हैं। अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, फोन में हो रहा है लेकिन काम हो रहा है। साले खुद अभी आया, हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे बैठे। गाइज यहाँ पर लग रहे हैं पीछे एलईडी पैनल्स, तो यहाँ पर आपको विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर जो कि स्टेज पर होगा। और फिलहाल यहाँ पर वेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर बॉक्सेस रखे हैं जिसके अंदर पानी फिल होगा, तो वहाँ खड़ा है टैंकर, तो वहाँ से पानी आएगा और यहाँ फिल होगा तब जाके वेट मैनेजमेंट, तो उसको वेट को मैनेज करने के लिए पानी भर के जमीन पर लगाना पड़ेगा इसको, तब लाइनर को ऊपर करेंगे। आया पानी। तो गाइस अभी लाइट चेक हो रही है, लाइट एक बार जला के देख रहे हैं। हमारे भैया भी स्टैंड उठा के लेकर आ रहे हैं। कैसे हो? बढ़िया। तो गाइस अभी लाइट चेक हो रही है, फिर अब साउंड चेक होगा। ये देखो लाइटें दिख रही हैं, और वहाँ हमारा कंसोल है सामने की तरफ। तो पीछे तरफ यहाँ पर एलईडी वायरिंग वगैरह चेक हो रही है। ये भी कैनोपी लगा है, रात में इस कैनोपी को हटा देंगे यहाँ से। सो गाइस ये हमारा कंसोल है, यहाँ से सब चीज़ ऑपरेट होगी, पूरा म्यूज़िक सेटअप जितना भी आप बेस देख पा रहे हो, लाइनर टंगे हुए हैं सारे सारे, यहाँ माइक सब यहीं से कंट्रोल होगा। हम लोग हैं अभी रेस्ट रूम में। अर्पित और मैं आ गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कसम से, लेकिन यहाँ मिल गया एसी, मस्त एसी की हवा खा रहे हैं। एसी का बटन ढूंढना है, एसी का बटन ढूंढना है सबसे पहले, कि ऑन करना सबसे पहले एसी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही ना बाहर भोपाल की। राजस्थान फेल है। मेरे राजस्थान के जो दोस्त है ना मुझे बोलते हैं कि भाई यहाँ गर्मी ज़्यादा तेज है, मैं बोलता नहीं यहाँ गर्मी ज़्यादा तेज है। भोपाल आए आपको प्यार से चाय पिलाएंगे, गर्मी का एहसास दिलाएंगे। भोपाल आए और चाय पी के नहीं जाए ऐसा। और फिर शाम को वही आप हम जम्मू बनाएंगे भोपाल ही ऐसी थोड़ी है, आपको पता ही है। सही है यार,
फिलहाल यहाँ पर रूम में धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी सब लोग स्टेज पे गए हैं, साउंड चेक चल रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। तो चलो आपको बताते हैं जैसा होता है सब कुछ। और अब करेंगे हम लोग साउंड चेक। हम कहाँ हैं सर? कीबोर्ड की लाइन से हमारा चेंज करो, चेक चेंज करो। गाइस, अभी हमारी आरजे अनाउंसमेंट कर रही है और बाकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस, आप देखो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और ये ऑडियंस बहुत भरपूर है। और यहाँ पर हमारे साउंड इंजीनियर रेडी हैं, तो परफॉर्मेंस होगा दीपिका दीदी का और यहाँ पर बाकी क्रू मेंबर। बताओ मुझे मजा आ रहा है आपको? तो गाइस मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस और लाइक कर देना वीडियो को। चलो अब फाइनल आ चुके हैं स्टेबिन भैया के बारे में, तो अब चलते हैं फटाफट दिखाते हैं आगे की चीज़ें। तो गाइस स्टेबिन भैया आ चुके हैं हमारे, ये देखो बनके हम सब में
मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, बट ऑनेस्टली मुझे आपकी जरूरत आज भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ भोपाल से बॉम्बे तक नहीं, बॉम्बे से ग्लोबल नहीं, एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टार बनूँ, और उसके लिए मुझे आपकी आपकी सपोर्ट और आपकी दुआ की जरूरत है। और कुछ नहीं चाहिए यार, हम बस टच में रहे, कभी आप कभी मेरा गाना देखो या नहीं देखो तो एक बार ये जरूर याद करो कि अरे यार ये हमारे कॉलेज में आया था, ये हमारा सुपर सीनियर है, बस इतनी सी मोहब्बत मुझे आपसे चाहिए, सिर्फ इतनी मोहब्बत चाहिए कि आप मुझे याद रखो, और मुझे ऑनेस्टली ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक आर्टिस्ट जब भी स्टेज पर होता है तो उसको सिर्फ आपके ताली और आपका प्यार चाहिए होती है, और आप जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं इस प्यार पे एक चीज कहना चाहता हूँ आप सब के लिए, इस शहर के लिए, इस कॉलेज के लिए, अब मेरी फेवरेट सेल्फी जो मैं आपके साथ लेना चाहता हूँ, हम सब एकदम साइलेंस कर देना, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। सो मैं आया था अपने कॉलेज एल एन सी टी परफॉर्म करने, बहुत टाइम बाद, आई थिंक 9 साल बाद तो गाइस मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको वीडियो, और बहुत ही मज़ा आ गया है भाई आज तो। तो फिलहाल अभी हमें रूम में और सब लोग कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल थक चुके तो रेस्ट कर रहे हैं, तो रेस्ट करने की जगह नहीं मिली तो खाने का इंतजार कर रहे हैं मेनली। अभी टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 12:30 बज चुका है, 1 बजने को आ गया, 1:30 बज रहा है, मेरी घड़ी गलत चल रही है, तो गाइस 1:30 बज रहा है, तो खाने का वेट कर रहे हैं हम लोग। सो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं हूं कुशल, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय।